हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम आ गए हैं दौलतपुर विलेज में। ये दौलतपुर गांव है और यहां पर हम आज चलेंगे। कुछ छोटे छोटे बच्चों के लिए हम गिफ्ट लेकर आए हैं, उन गिफ्टों को बच्चों को देंगे और उनसे उन्हें उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे पढ़ने के लिए। तथा इसके साथ साथ हम जो यूपी का स्पेशली जो गाँव क्षेत्र है वहाँ की जो वोटिंग होती है, यानी जो अभी हाल ही में चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर लोग वोट नहीं करते हैं, डरते हैं या किसी भी प्रकार से वो इसके प्रति जागरूक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन गार्जियनों को जागरूक भी करेंगे। और आपको अभी लेकर चलेंगे हम इस गांव में जो कि बाराबंकी का थोड़ा आउट एरिया है, दौलतपुर गाँव, इस गाँव में ले चलेंगे और लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों के लिए हम कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, छोटे छोटे गिफ्ट लेकर आए हैं, उन गिफ्टों को भी बांटेंगे। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों को हम जागरूक करेंगे जिससे कि जो आने वाला समय है, आने वाली जो जो चुनाव प्रक्रिया है, इसमें ये अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कर सकें और अपने जो इस राज्य का भविष्य है वो देख सकें। किसी भी पार्टी को वोट दें, किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन वोट बैंक यूपी का बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अन्य कंट्रीज़ में, अन्य जो स्टेट हैं उनमें वोट बैंक बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अपने यहाँ पर जो यूपी में खास करके लोग जागरूक नहीं हैं, तो उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों थोड़ा सा अपना प्यार बनाए रखिए। और आज हम अभी आपको लेकर चलेंगे दौलतपुर गांव में, और इस गांव में दोस्तों हम लोगों को जागरूक करेंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों को गिफ्ट, थोड़ा बहुत गिफ्ट भी देंगे और जिससे उन्हें भी पढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे। तो दोस्तों आप एक बस आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। दोस्तों हमें और आपसे किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस अधिक से अधिक इस को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं दौलतपुर गांव में। तो दोस्तों देखते हैं और चलते हैं दौलतपुर गांव। दोस्त हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम आ गए हैं, ये गांव है दौलतपुर, और दौलतपुर गांव में हम आ गए हैं। यहां पर जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे लगभग पढ़ने जाते हैं और यहाँ के जो गार्जियन हैं वो भी लगभग जागरूक हैं। तो हम आज बच्चों से आपको मिलाएंगे, यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों आ जाइए और बच्चों को कुछ गिफ्ट भी बांटेंगे। तो ये हैं, क्या नाम तुम्हारा? सर्वेश कुमार। आप मिलिए इनसे, ये हैं सर्वेश कुमार। और तुम्हारा क्या नाम है? हर्षित। हर्षित पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? क्या नाम है? हर्षित। कहाँ, कौन से विद्यालय में पढ़ने जाते हो? सरकारी में। क्या नाम है? हाँ नहीं, आपका तो हर्षित है, विद्यालय का क्या नाम है? कंपोजिट विद्यालय दौलतपुर है, दौलतपुर में पढ़ने आते हो। तुम कहाँ पढ़ने आते हो भैया? क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र कुमार। तो दोस्तों देख रहे हैं सभी बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार, क्या आप बता सकते हो, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछें, क्या आप बता सकते हो? छोटा सा क्वेश्चन बताओगे, आप किस जिले में रहते हो? बाराबंकी जिले में। वाह बहुत अच्छा निकले, तालियां बजा दो। बाराबंकी में जिले में रहते हैं, क्या आप बता सकते हो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है, निकले तालियां बजाओ, है ना, ये बढ़िया। और भैया आपका क्या नाम है? आपका नाम? राम प्रकाश। ये राम प्रकाश भैया जी हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं और मेहनत से पढ़ा रहे हैं। इनके जो बच्चे हैं वो विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं और काफ़ी मेहनत से पढ़ाई भी करवा रहे हैं। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि इन लोगों को जो सरकार के द्वारा कुछ न कुछ लाभ दिया जाए और जिसके माध्यम से ये अपने बच्चों को अच्छी तरीके से और बेहतर शिक्षा दे सके, जिससे कि इनका जीवन स्तर भी अच्छी तरीके से उठ सके। तो देख सकते हैं ये यहाँ पर बच्चे उपस्थित हैं, काफ़ी बच्चे, और कुछ बच्चे उधर भी बैठे हुए हैं। आपने देखा ये बच्चे काफ़ी पढ़ने में भी तेज हैं, और बच्चों से मिलवाते हैं। आइए यहाँ पर, क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित। हर्षित से अभी मिलवाए थे आपको?
आप आ जाओ, क्या नाम है आपका? उदल। ये उदल है, देख लीजिए। उदल पढ़ने जाते हो? दौलतपुर में उदल भी पढ़ने जाते हैं। ये सरकारी विद्यालय बहुत ही अच्छा विद्यालय है, यहाँ पर हम आपको दिखा भी चुके हैं। और आज क्योंकि संडे का दिन है इसीलिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा क्या नाम है? मनीष। तो ये मनीष है। और मनीष आगे क्या बनना चाहोगे तुम? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? मेहनत से क्या बनना चाहोगे? कुछ ना कुछ बनोगे, है ना? क्या शिक्षा बनने के लिए है ना, मेहनत करो। तो इसी प्रकार से तो इन बच्चों को कुछ ना कुछ, ये सर्विस यहाँ पर ऐसे पकड़ो, बच्चों को कुछ गिफ्ट दे दिया जाए, है ना? तो हम बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं को गिफ्ट मिलेगा। तुम लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हमको भी दिखाना साथ में, अपना ही फोटो मत देना सर्विस, इधर भी दिखा दो। तो ये इनके लिए हम बच्चों के लिए लाए हैं टॉफी। ये टॉफी लो और पढ़ने जाना, है ना? पढ़ोगे कि नहीं? हाँ, जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, है ना? पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। ये लो टॉफी, ये लो। दोस्तों ये हैं बच्चे पढ़ने वाले, और इन बच्चों के लिए हम गिफ्ट भी लेकर आए हैं और साथ में बिस्किट भी लेकर आए हैं। अब बिस्किट बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है। ये हमारे भैया जी हैं, इनको बिस्किट दे रहे हैं इसलिए जिससे कि ये इस बार जो चुनाव आने वाले हैं उनमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, और जिससे कि वो अधिक से अधिक, क्योंकि यूपी का जो वोट लेवल है बहुत कम हो जाता है। किसी को भी वोट दें लेकिन वोट देने अवश्य जाएं, क्योंकि वोट का हर एक वोट का महत्व होता है। और ये हमको, ये हमारा अधिकार है, और लगभग 5 वर्षों के बाद में एक दिन आता है जब हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, और अगर हम सही से इसका यूज नहीं करते हैं तो 5 वर्षों के लिए हमको ये समय नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों ये हम इनको प्रोत्साहित करने के लिए एक बिस्किट ये लीजिए भैया जी, और इस बार आप चुनाव में जरूर प्रतिभाग करें और आसपास के लोगों को जागरूक करें कि क्योंकि 5 साल का समय होता है। अगर एक बार आपने वोट गलत व्यक्ति को दे दिया या आपकी वोट गलत हो गई तो 5 वर्ष आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपको प्रोत्साहित करने के लिए। तो दोस्तों देखें यहाँ पर लोग जागरूक हैं, और जागरूकता के साथ साथ में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि ये जो ग्रामीण आंचलिक क्षेत्र हैं यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंध किए जाएं, और जो भी यहाँ के गार्जियन हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे कि ये अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अपना जीवन स्तर अच्छी तरीके से ऊपर उठा सकें। दोस्तों फाइनली अभी चलेंगे हम दूसरे क्षेत्र में और दूसरे मोहल्ले में, वहाँ पर भी जो बच्चे हैं उनको जागरूक करेंगे और वहाँ के जो गार्जियन है गार्जियन को भी हम जागरूक करेंगे। भैया हेलो। दोस्तों तो हम आ गए हैं, ये गांव है दौलतपुर से रिलेटेड गांव है, और यहाँ पर आप देखेंगे भी बच्चे पढ़ने वाले यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और जबकि आप देखेंगे समय हुआ है लगभग 1:30 बज चुका है और यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चे। ये देखिए ये भैया हैं हमारे। ये देख सकते हैं, क्या नाम है भैया आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, तो ये प्रवीण कुमार हैं, और किस क्लास में हो भैया? इंटर में है, ये इंटरमीडिएट में हैं, और इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं जो कि शायद मार्च, फरवरी के लास्ट और मार्च से स्टार्ट होंगे। इसी प्रकार से ये गहन अध्ययन कर रहे हैं, और हम क्या बनना चाहोगे प्रवीण आगे चलकर? IIT करना है इंजीनियरिंग। तो प्रवीण भैया जो हैं IIT करना चाह रहे हैं, और उसके बाद में इंजीनियर BTEC या फिर कुछ ऐसा करेंगे जो आगे चल कर के इसी का ज़्यादा स्कोप है। तो आप देख रहे हैं कि 12 बंकी का सबसे जो आउट थोड़ा देखेंगे अगर है तो यहाँ पर भी बच्चे पढ़ने पर बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम भैया? मोहित मिश्रा। ये मोहित जी हैं जो आप देख सकते हैं। आपका कौन सा क्लास है?
इनका हाई स्कूल है। तो ये भैया जी प्रवीण भैया जो है इंटर में हैं और ये हाई स्कूल में हैं और बहुत ही अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं। आप क्या बनना चाहोगे भैया, आगे क्या इच्छा है बनने की, कुछ करने की इच्छा है? तो दोस्तों ये देखेंगे मेहनत कर रहे हैं और ये आगे चल करके इनकी इच्छा है कि ये आर्मी में जाएं और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार से ये मेहनत में लगे रहें और इनकी इच्छाओं की पूर्ति हो। ये भैया हमारे आईआईटी करके एक अच्छे इंजीनियर बने और इनको अच्छी सी फोर्स मिल जाए, इंडियन आर्मी में जा करके देश की सेवा करें। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे पढ़ने में भी बढ़िया हैं और पढ़ने को अधिक से अधिक महत्व दे रहे हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, और हम चाहेंगे इनको भी कुछ एनर्जी वाला दिया जाए जिससे कि एनर्जी आ जाए। तो हमारे पास में कुछ है खाने के लिए, ये टॉफ़ी भी हैं, टॉफ़ी तो ये खैर बड़े हैं इनको टॉफ़ी नहीं देंगे, इनको बिस्किट दे रहे हैं। तो ये दोस्तों एक रहा बिस्कुट, ये इनको बिस्किट दिया जा रहा है और इसी प्रकार से आप आगे बढ़िए। और ये भैया आप क्या नाम है, नाम भूल गए आपका, मोहित मिश्रा जी को भी एक हमारी तरफ से गिफ्ट। और ये देख लीजिए, हम ऐसी आशा करेंगे कि ये इसी प्रकार से मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग भी इनको प्रोत्साहित करने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और शिक्षा के बारे में, शिक्षा को अधिक से अधिक महत्व दीजिए। दोस्तों हम आ गए हैं एक चौराहे पर और ये चौराहा जो है देख सकते हैं आप, गांव के पास में ही है थोड़ी दूरी पर, और इस चौराहे पर हम आ गए हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है और लोग यहाँ पर सब्जियाँ लगाए हुए हैं और ये सब आप देख सकते हैं, ये देखिए, और ये है चौराहा वो। और यहाँ पर ये भाई साहब बना रहे हैं वेज रोल, बहुत ही बढ़िया बनाते हैं वेज रोल, और अक्सर यहाँ पर हम जब आते हैं तो इनके यहाँ वेज रोल अवश्य खाते हैं। और ये साथ में भाई साहब जो अभी बनाएंगे हमारे लिए टिक्की, और बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की बनाते हैं। भैया आपका क्या नाम है, सुरेंद्र, ये सुरेंद्र भाई हैं और ये जो वेज रोल बनाते हैं बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनाते हैं। और ये हमारे दूसरे भाई हैं, क्या नाम भाई साहब आपका, मुकेश गुप्ता जी, इनकी चाट यहाँ पर बहुत ही फेमस है और ये बहुत ही अच्छी जो खस्ता और इसके अतिरिक्त जो भी चीज़ बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, बहुत भीड़ लगी रहती है इनकी दुकान पर। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारे लिए भी बनाएंगे टिक्की और आपको दिखाएंगे इसका टेस्ट दोस्तों। और ये देख सकते हैं चौराहे का व्यू ये है दोस्तों। अब उस गांव से हो करके हम आ गए हैं चौराहे पर और इस चौराहे पर आप देख सकते हैं, तो ये रही टिक्की और इसका हम लेंगे अब आनंद। ये है चौराहा, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग बैठे हुए हैं, तो हम भी आनंद लेते हैं और भूख लग चुकी है चूँकि बहुत तेज़ी से। तो पहले हम इस टिक्की का आनंद लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इसका टेस्ट दोस्तों।